सरकारी क्रय केंद्र जिन पर गेहूं की खरीद होनी है वो सूने नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी क्रय केंद्र पर 2015 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है, जबकि मंडी में भाव 2100 रुपए से ऊपर है। हर साल जहां गेहूं की फसल का सरकारी भाव खुली मंडियों से ऊपर होता है, तो अब की बार गेहूं की फसल का रेट मंडियों में ज्यादा होने के चलते किसान अपना गेहूं मंडी में बेच रहे हैं। जब समाचार 24 की टीम ने गोवर्धन उप मंडी पहुंची तो गेहूं की फसल बेचने आए प्रेमचंद नामक किसान ने बताया कि अब की बार भाव 2015 है और मंडियों में 2050 से लेकर 2100 तक गेहूं बिक रहा है। वहीं एक अन्य किसान मोहन सिंह ने बताया कि सरकारी खरीद केंद्रों पर कभी बारदाना नहीं होता तो कभी 8-8 दिन तक यहीं पड़ा रहना पड़ता है, फसल को मवेशी खा जाते हैं, जबकि अब की बार मंडी में आढ़ती फसल का पूरा दाम दे रहे हैं, इसी वजह से यही अपने माल बेचने आए। एक अन्य किसान हरीशचंद ने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर पहले तो नंबर लगाना पड़ता है, उससे कई दिन बाद गेहूं तुलता है और पैसे बहुत दिन बाद मिलते हैं, इसलिए अब की बार किसान अपना माल मंडियों में ही बेच रहे हैं। जबकि मंडी व्यापारी मुरारी लाल से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकारी भाव से ज्यादा भाव किसानों को मिल रहा है, साथ ही नगद भुगतान हो रहा है, इसलिए किसान सरकारी केंद्र पर माल नहीं बेच रहे। वहीं व्यापारी ने बताया कि इस बार भारत के गेहूं की मांग बाहर होने के चलते यूरोप में युद्ध के कारण बाजार में गेहूं का भाव बढ़ गया है। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है तुम्हारा? मुरारी लाल शर्मा। आप यहाँ पर मंडी में आढ़ती हो, व्यापारी हो? जी। जैसा कि अब की बार देखा जा रहा है कि पिछली बार किसान अधिकतर गेहूं अपना सरकारी सेंटरों पर लेकर जाता था, जबकि अब की बार अधिकतर गेहूं किसान मंडियों में बेच रहा है, इसका कारण क्या है? कारण ये भाव, मंडी का भाव ठीक है, लेवी का भाव जो है वो कम है, 2015 रुपये गवर्नमेंट ने रेट रखा है, हमारे 50-60-70 रुपये मंडी बिक रही है, किसान को यहाँ पड़ता पड़ रहा है। और क्या, किसान को फायदा हो रहा है तो पैसे का, तो इसका कारण क्या है कि अब की बार मंडियों में भाव से कहीं वो निर्यात कर दिया, वो युद्ध युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कहीं निर्यात खुल गया है, उस वजह से ही वो जो है डिमांड बढ़ रही है गेहूँ की, गेहूँ बाहर जा रहा है। तो क्या मान के चले कि आपके सरकारी सेंटरों पर तुलाई कम होगी मंडियों में? मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि किसान को वहाँ कष्ट बहुत होता है, किसान पड़ा रहता है, दो तीन चार दिन पड़े रहता है, वहाँ तुलता नहीं है, अगर सरकार कोई बोनस वोनस की व्यवस्था कर दे तो शायद कोई सोच सकता है उसके बारे में। अभी तक यूपी गवर्नमेंट ने कोई कोई बोनस। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मोहन सिंह है। मोहन सिंह, जैसा कि आप गोवर्धन मंडी में गेहूँ लेके आए हो, हाँ, पहले सरकारी सेंटरों पर ले जाते थे, अब ऐसी अब की बार यहाँ क्यों लेके आए? वहाँ तो तीन दिन रह जाए बाबू जी, 8-8 दिन रह जाए, तो नहीं ना है, कभी बाहर रहना है, कभी ले बनना है, यहाँ तो कल हमारे बिके 2060 रुपया और आज बिके 2025 रुपया, और तुम 2 घंटा में ढेरी तुल तुला के चले जाए, पैसा दे दे ना तो एक आध दिन में दे दे आड़तिया। वहाँ सरकारी सेंटर पर वहाँ कौन पूछ रहा है, वहाँ तो पानी ना है साहब, यहाँ कम से कम चाय पेप्सी सब पे वावे आड़तिया बीड़ी पे, वहाँ नंबर नहीं आता, वहाँ नंबर कौन पूछ रहा है, वहाँ जगह मतलब ढींगरान का नंबर है। सरकारी रेट क्या है आपकी? सरकारी रेट 2015 बता रहे हैं, 2000 नहीं मंडी में बिक रहा हमारा, इसलिए किसान आपके मंडियों में गेहूँ लेके बिल्कुल ना जाएगा, नहीं कहो कबू ना जाएगा। अब क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरिशन चौधरी है, मसला से हूँ। सर, जैसा कि पिछली बार आप सरकारी सेंटरों पर गेहूँ लेके जाते थे जी, और अब मंडियों में गेहूँ लेकर आ रहे हैं, क्या कारण है इसका? कारण ये है साहब, पहले सरकारी सेंटर पे तीन मंडी में बाजार तेज है 50 रुपए, पहले सरकारी सेंटर को रेट 1975 तो मंडी को रेट 1850 रुपए, अब की बात सरकारी सेंटर को 2015 रेट है और मंडी में 2050 और 70 तक गेहूँ बिक रहे हो, तो कौन ले जाएगा बताओ, और कौन गवर्नमेंट को गेहूँ देगा, और टनाटन पैसा मिल लो, ये पैसे ना दे एक एक साल तक बेईमान, सरकारी सेंटर में पैसा नहीं मिलता, बेईमान है पक्के, 20-20 हजार तो अब पिछले साल के मेरे तक पड़े, यहाँ पेमेंट सही मिल रहा है, टनाटन पेमेंट मेहरो साहब 6-7 नाम किसान को तक पेमेंट दे, किसान अब की बार इसलिए मंडियों में भाई खुश है किसान। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम देवसेरस। तो आप ये आज गोवर्धन मंडी में अनाज लेके आए हो जी, पहले जहाँ सरकारी सेंटरों पर गेहूँ लेके जाते थे, अब की बार मंडियों में लेके आ रहा है किसान गेहूँ, क्या कारण है इसका? पहला कारण तो ये है कि अभी तक तो कांटे ही चालू नहीं हुए, दूसरा नंबर ये है कि गवर्नमेंट ने लगाया है 2015 का रेट, मंडियों में 2050 से लेकर 2100 रुपये तक बोल रहा है, तो किसान वहाँ लेके क्यों जाएगा, सुविधा यहाँ मिल रही है,
और दूसरा नंबर ये है पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद में 8-8 दिन बारदाना नहीं मिलता है सरकारी सेंटर बारदाना नहीं मिलता है, वहाँ पड़े रहते हैं किसान, पशु अनाज को खाते हैं, वहाँ ले जाने से फायदा का है, नगद पैसा मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो अब की बार मंडियों में गेहूं का क्या रेट चल रहा है, क्या आपका गेहूं खरीदा जा रहा है? 2050 से लेके 2100 रुपये तक बिक रहा है और नगद पेमेंट हो रहा है, इसलिए किसान आ रहा है, वहाँ क्यों जाएगा जब हमें सुविधा पूरी यहाँ मंडी में मिल रही है, तो सरकारी क्रय केंद्र पर जाने से क्या फायदा है, इसलिए यहाँ लेकर आए हैं। मथुरा के जिला कारागार में निरुद्ध